गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में हम चैप्टर 10 का बुक भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बुक बी में जो भी क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। बुक सब हाँ बेटा, यस मैम, यस मैम, खत्म हुआ था, जल्दी खत्म हुआ। सबको बुक दिख रही है ना बेटा? यस मैम, यस मैम। चलिए सीडब्ल्यू डालिए, यहाँ सीडब्ल्यू डालिए, यहाँ डेट डालिए। बुक ए, बुक बी, पेज नंबर ए वाला तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए जिसको पढ़ाए नहीं थे, रिया क्या कर रही है उसमें लिखवाए नहीं थे पिछले सेशन में। आपको क्या क्या काम करना पसंद है नोटबुक में कहे थे लिखने के, ये बुक भी है। सी डब्ल्यू डालिए और फिर डेट डालिए आज का। मैम डालिए, मैम पेज नंबर, पेज नंबर 46 है। मैम बुक बी, हाँ बेटा, 46, यस मैम। सब लोग ओपन किए? यस मैम, यस मैम। देखिए आपको करना क्या, करना क्या है, देखिए इसमें कविता की इन पंक्तियों को उचित शब्दों से पूरा करें, आपको इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या इसमें भरना है बीच में? एक कोई क्या था, देश था, हाँ, देश था, देश में, देश में परदेश था, ऐसे आप कंप्लीट कीजिए। मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी मैम, गली में रिया थी, गली में घर था, घर में रिया थी, रिया कह रही थी मुझे स्कूल, तो कल ले जाओगे इसको? हाँ बेटा, इसको कर लोगे ना अभी? यस मैम, मैम भेज रही है। हाँ इसको अभी 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 रुक के कीजिएगा, स्टॉप हो जाइए इसको, आप लोग अभी सेशन खत्म होगा तब करके भेजिएगा, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन तब तक समझा देते हैं, इसको तो सभी लोग कर ले जाएंगे, है ना? यस मैम, यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम। एक कोई देश था कविता को आगे बढ़ाकर लिखे, इसमें कविता दिया गया है ना, एक कोई देश था, देश में परदेश था, परदेश में शहर था, शहर में मोहल्ला था, मोहल्ले में गली थी, गली में घर था, घर में रिया थी, रिया कह रही थी, आगे यहाँ आपको क्या लिखोगी उसको लिखिए। रिया कह रही थी, रिया कह रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना। और भी तो कुछ कह सकती है, चार लाइन लिखना है। मैं
वो कह सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना है और बड़े होके खूब पैसे कमाना है और कोई अच्छी नौकरी करनी है। हाँ कैसे लिख सकते हो, रिया कह रही थी मुझे स्कूल जाना है, बाल दिवस मनाना है, बच्चों के साथ खेलना है, मिठाई टॉफी खाना है ना। या ये भी कह सकती है, रिया कह रही थी मुझे स्कूल जाना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, पैसे ढेर कमाना है, स्कूल का नाम बढ़ाना है ना। कुछ भी तो लिख सकती हो आप लोग। क्यों आराध्या, रिया कह रही थी मुझे स्कूल जाना है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाना है, राष्ट्रगान गाना है, झंडा तिरंगा फहराना है, ये भी तो हो सकता है। रिया कह रही थी मुझे स्कूल जाना है, 26 जनवरी मनाना है, राष्ट्रगान गाना है, तिरंगा झंडा फहराना है। कुछ भी आप राइट कर सकते हो इसमें, कर लोगे ना। वैकल्पिक प्रश्न जो कल ले जाओगी उसको स्टॉप रखो, अभी केवल समझ लो, जब कहेंगे करने को तब करना, ठीक है। अभी केवल प्रश्नों को समझो। अब समझ में आ गई ना जो बताए हैं अभी। अब इस पे आइए, 10.3 पे आइए। कंचन अभी बेटा नहीं करने को कह रहे हैं, अभी हम केवल समझा रहे हैं, अभी बताएंगे जब करना, अभी स्टॉप रहिए, ठीक है। अमन पासवान, हाँ अब यहाँ देखिए स्क्रीन पे आप लोग देखिए, वैकल्पिक प्रश्न है। क्या है वैकल्पिक प्रश्न? दिए गए वाक्यों के सही विकल्प को चुनें। प्रदेश में क्या होता है, देश होता है, शहर होता है? मैं शहर। शहर, तो यहाँ आप बेटा यहाँ सही का स्थान पे सही कीजिए, यहाँ देश गलत होता है तो यहाँ रॉन्ग कीजिए, कट कीजिए, शहर होता है तो शहर को सही कीजिए, ठीक है, तो कीजिए। हो गया? Yes, नंबर खा। रिया कहाँ रहती थी, गांव में या घर में? मैं घर में। घर में, घर में, घर में। इसको सही कीजिए, गांव में क्रॉस कीजिए। हो गया? गांव में क्या होगा, मोहल्ले में क्या होता है? मैम गली। गली। मैम गली। गली होता है ना, सभी लोग गली पे टिक करें। यस मैम। कौन है, किसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है? मन बहुत पिटाई होगी आपकी अमन। चलिए मोहल्ले में क्या होता है, गली। गली। चलिए रिया क्या नहीं करना चाहती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, पढ़ना कीजिए। स्कूल नहीं जाना चाहती थी।
तो यहाँ सही कीजिए, यहाँ सही कीजिए, खेलना नहीं चाहती थी, यहाँ क्रॉस कीजिए। मैम कंप्लीट। हो गया। अभी एक और है इसमें, घटना एक हो और पात जुड़ते रहते हैं, ऐसी कहानी को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहानी। हाँ बेटा, ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कहानी कहते हैं बेटा, ऐतिहासिक नहीं कहते हैं। क्यूमुलेटिव टेल इसको कहते हैं, ठीक है? ये वाला सही है आपको, ये वाला रॉन्ग है। यहाँ क्रॉस करो, यहाँ करेक्ट करो। मैम कंप्लीट। मैम कंप्लीट। कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चित देखकर वाक्य लिखना है आपको। चित देखकर चार वाक्य लिखे और वाक्यों में आए काम वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचे, ठीक है? चार बार लिखना है चित्र को देखकर। देखिए, जैसे यहाँ दिया है बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ बैठा हुआ है। अब आप लोग देखोगे और यहाँ राइट करोगे, इसी को देख देख के चित्र को देखोगे, यहाँ राइट करो। नंबर खा आप क्या लिखेंगी? रमा आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है? रमा मैम फल, मैम फल ले रही है सब लोग। मैम 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 सब लोग झूल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा। फल वाला फल बेच रहा है, इस तरह से बोलेंगे। मैम बच्चे खेल रहे हैं। हाँ बेटा। मैम मैम औरतें बातें कर रही हैं। पानी, मैम छोटी सी बच्ची पानी पी रही है। हाँ, आदमी कुत्ता के साथ खेल रहा है। आदमी कुत्ता के साथ खेल रहा है। मैम मैम आदमी दौड़ रहे हैं। आदमी मैम आदमी अखबार पढ़ रहा है। वो अखबार वाला हो चुका है, बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है, एक बार हो चुका है। आदमी दौड़ रहा है। हाँ, आदमी दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो बेटा ऐसे आप लोग नंबर डाल डाल लीजिए, है ना? की पॉइंट। हाँ चलिए बेटा, स्टॉप हो जाइए। वन बाय वन नंबर डाल के, नंबर का, नंबर खा, नंबर गा, नंबर घा, नंबर अंगा, पांच लाइन है ना? तो का तो लिखा गया है, आपको चार सेंटेंस और राइट करने हैं। चलिए राइट कीजिए, उसके बाद जो भी आपका काम वाले शब्द है वहाँ नीचे सर्कल कर। टेल बोलना नहीं है आपको, लिखना है यहाँ पे। नंबर खा डालिए, लिखिए फल वाला फल बेच रहा है। फिर नंबर गा डालिए, बच्चे खेल रहे हैं। फिर अगला नंबर डालिए, एक बच्ची पानी पी रही है। फिर नंबर डालिए, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना? इस तरह से नंबर डाल डाल लिखिए। चलिए कंप्लीट कीजिए। हवा नहीं होनी चाहिए। का खा,
ये पढ़ा था ना अमन, आपके बगल से आवाज आ रही है, आप अपने आप को म्यूट भी नहीं करते हो। हाँ सब लोग राइट कीजिए, कोई बैठेगा नहीं, सब लोग राइट कीजिए। याद करें ना सभी लोग, यस मैम, राइट कीजिए तो उसके बाद पूछते हैं। साथ साथ खेल रहा है, राइट कर रही हो ना? यस मैम। कंप्लीट देखते हैं सबसे पहले कौन कंप्लीट कर लेता है। मैम कंप्लीट हो गया। किसका? रौनक का? कंप्लीट है। रौनक कंप्लीट कर लिए। हाँ चलिए बेटा बताइए तो क्या किया? कंप्लीट हो गया मैम, मेरा कंप्लीट है। चलिए कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। रमा आपने क्या राइट किया बेटा बताइए। मैम आम ओला, मैम आम ओला आया, मैम आम ओला आया, मैम आम बेचा है, मैम आदमी कुत्ता के साथ खेल रहा है, मैम कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैम कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ चलिए चलिए स्टॉप। तो आपने ऐसे सर्कल किया है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, बेच रहा है, ये सब बेटा काम करने वाले शब्द है। इसके नीचे आपको ऐसे लाइनिंग करनी है, जैसे यहाँ लाइनिंग कर किया गया है ना, पढ़ रहा है, आप, किया है। तो ऐसे आप लोग भी कीजिए। फल वाला फल बेच रहा है ना, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे प्लानिंग करेंगे, बच्चा कुत्ता के दौड़ रहे हैं, है ना। तो जो भी काम वाले शब्द है उसके नीचे से लाइनिंग कीजिए। हाँ बेटा मैम फल बेच रहा है तो मैम होगा बेच रहा है। हाँ बेच रहा पे लाइनिंग होगी। मैम बताएं क्या लिखे हैं? मैम एक आदमी फल बेच रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ आदमी दौड़ रहे हैं, बच्चा कुत्ता के साथ खेल रहा है। तो खेल रहा है, दौड़ रहा है, बेच रहा है, सब पे लाइनिंग की हो ना? यस मैम। शुभांगी आप इधर उधर क्या देख रही है बेटा? शुभांगी आपकी कंप्लीट की? मैम कंप्लीट की। अच्छी बात बेटा, सभी लोग कंप्लीट कर लिए।
अब तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आप यहाँ राइट कर सकते हो, इसको पहले आप लोग करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसको आप लोग कर लीजिए। इसको भी कंप्लीट कीजिए। चलिए मम्मी वाला जी भेजना है, मम्मी वाला कंप्लीट कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। यहाँ बैठे हो आप लोग, नो बेटा पहले कंप्लीट की, पहले कंप्लीट कीजिए तो भेजिएगा। मैम तीनों पेज नहीं, एक एक पेज एक एक दिन भेजना है, खाली यहाँ आज केवल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। एक दिन में एक पेज भेजना, ऐसे ऐसे करके सब पेज भेजना, एक एक दिन में एक एक पेज। अब कल नहीं पढ़ाएंगे आपको, भेजेंगे हाँ, इस तरह से भेजना, कंप्लीट कर लो बैठ के। हाँ बेटा, साक्षी बेटा कंप्लीट कर रही हो? सुमित, रिया कह रही थी इसके आगे कंप्लीट कीजिए, चार लाइन लिखिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है। मैम कंप्लीट, मैम कंप्लीट हो गया, बहुत पहले मैम कंप्लीट हो गया। मैम कंप्लीट हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। क्या राइट की हो बेटा जो कंप्लीट की हो? मैम मैं 10। यस मैम, मैम रिया कह रही थी मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ने में आगे होना है। मैम मुझे मैम और मैम मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। मैम स्कूल को मैम, हाँ बेटा मैम मैं बताऊं? हाँ मैम, रिया कह रही थी मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। मैं मुझे पढ़ लिख कर मैं मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाना है। मैम स्कूल को आगे बढ़ाना है। अच्छा आराध्या वर्मा, आप क्या राइट की बेटा? मैं मेरी बुक कभी नहीं आई है। तो कब आएगी आपकी बुक? इतना लेट तो ऐसे हो चुका है। मैम 2-3 दिन में आ जाएगी। शुभांगी आप क्या कर रही हो? मैम राइट कर रही हूँ। क्या राइट कर रही हो? हाँ बेटा, सुमित आप राइट किए? सुमित यस मैम। क्या राइट किए?
मेरे पास पैसा। नहीं बोलोगे सुमित? वेदांत, अनंत, आप लोग वीडियो ऑन रखिए। वेदांत बताइए आपने क्या राइट किया। मैम ये कह रही थी मुझे उसको जाना है बाएं होकर, मैम पैसे कमाना है, उसको का नाम बहाना है। अमन गुप्ता आप क्या लिखे हो? नहीं बेटा मैम हम बताएं। हाँ बेटा बताइए। मैम मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल मुझे अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, आगे चल के मुझे कुछ बनना है। साथी बताओगे क्या राइट की हो? अनंत, शुभांगी आपने क्या राइट किया बेटा? मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में जाकर मैम मुझे स्कूल जाना है, स्कूल का नाम रखना और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना है। चलिए बेटा रौनक आप बताएंगे क्या राइट किए आप? रौनक वीडियो ऑन कीजिए। रौनक सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। मेरा वीडियो ऑन है। अंशु आप बताएंगी? अंशु, अंशु आप क्या राइट की रही है? चलिए बेटा तो सब लोग समझ गए हो ना, सब लोग कर लोगे इसको, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यस मैम। बैठ के आज सारा कंप्लीट कर लोगे ठीक है, और एक एक पेज भेजना पर डे। साक्षी गुप्ता आपका कंप्लीट हुआ? ये ला कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हो गया।
हमारा कंप्लीट हो गया मैम, हम भेज भी दिए। नहीं भेज भी मत दीजिए अभी, चलिए सब लोगों को कंप्लीट हो गया। यस मैम। रमा आपका कंप्लीट हो गया? रमा यस मैम हम कंप्लीट हो गया। और आदित्य वर्मा इसको भी कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, ठीक है? ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ये भी कंप्लीट, मैंने भी कंप्लीट हो गया। अच्छी बात है, आप लोगों का सारा कंप्लीट हो गया। तो बुक बी के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए आज के सेशन में, ठीक है ना चाची? आप कुछ नहीं राइट कर रही हो, जो नहीं कंप्लीट होगा अभी सेशन एंड होगा उसके बाद कंप्लीट कर लेना। अभी केवल एक पेज भेजना है आप लोगों को, एक एक पेज पर डे आप लोग भेजेंगे, ठीक है? पहला एक पेज भेजना है। हाँ क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। नो मैम। हाँ पोएम तो लर्न हो गया होगा सबको? यस मैम। स्वाति का आप क्या क्या कर रही हो? स्वाति साक्षी, साक्षी आपका कंप्लीट हुआ बेटा? आराध्या आप एक काम कीजिए, नोटबुक में ही राइट करके भेजिए, ठीक है? आराध्या बुक ए है ना? हाँ बुक ए वाले सारे क्वेश्चन को आप लोगों आपने नोटबुक में राइट किया? आराध्या स्पीकर ऑन कीजिए। नो मैम। क्यों? पिछले सेशन में हमने उसको कंप्लीट करवाया था, नोटबुक पे आप राइट करके उसका फोटो क्लिक करके भेजेंगी, ठीक है? आई समझ में? यस मैम। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है आप? हाँ सेशन एंड करते हैं, ठीक है? अगले सेशन में ठीक है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।